सुप्रभात मान्यवर, यह है मेरी लास्ट मॉर्निंग आज बेलग्रेड में। और आज मैं निकल रहा हूँ फिर ज़लातीबोर की तरफ। ज़लातीबोर दरअसल माउंटेन रेंज टाइप की है। दरअसल मुझे नेचर से प्रेम है तो मैं ऐसी जगह जाना चाहता था शहर से बाहर, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी समय हो चुका है। तो आज मैं जाऊँगा ज़लातीबोर। अभी फ़िलहाल देखते हैं यहाँ से। दरअसल समस्या ये है कि यहाँ से ट्रेन में भी आप जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन ज़लातीबोर की कोई नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा उज़िस्या और या फिर मुझे बस लेनी पड़ेगी। दोनों में से दोनों ऑप्शन मेरे पास हैं, क्योंकि पहले मैं जाऊँगा यहाँ से ट्रेन स्टेशन, उसके बाद अगर ट्रेन नहीं मिलती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अंधेरा हो जाए उससे पहले पहले मैं उज़िस्या पहुँचूँ। आज मैं रहूँगा उज़िस्या और कल मॉर्निंग में फिर वहाँ से निकलूँगा ज़लातीबोर के लिए। तो आज देखता हूँ या तो बस से जाऊँगा या फिर ट्रेन से। फ़िलहाल मेरे साथ जो है दो और साथी हैं, विवेक है और आत्मन है। उन्होंने कहा कि हम भी चलते हैं, तो हम तीनों का प्लान है, तो साथ में ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो फ़िलहाल वो लोग रेडी हो रहे हैं और हमारे जो बैग्स हैं वो पैक हो चुके हैं। ये मेरे बैग हैं। तो फ़िलहाल निकलते हैं आज फिर बेलग्रेड से बाहर और जाते हैं सुदूर दक्षिण में, सर्बिया के आप कह सकते हैं रूरल हिस्से की तरफ, जो जो एक्चुअल में असली सर्बिया है। मुझे दरअसल शहरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी वजह से मैं यहाँ रुका क्योंकि नोवी साथ जाना था, वो भी देख लिया। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। तो फ़िलहाल 9 बजे हैं अभी सुबह के और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पहले जाएंगे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से अगर कोई ट्रेन होगी इस टाइम पे तो हम लोग ट्रेन से जाएंगे, नहीं तो हम लोग बस से जाएंगे। तो आइए फिर ले चलता हूँ आज आपको एक नए सफ़र पे बेलग्रेड से लेके उज़िस्या के लिए। ये निकल गया हूँ जी अपने हॉस्टल से बाहर। मौसम बहुत ख़राब है आज। दरअसल ये जो समय है बालकन्स में, यहाँ पे बारिश का मौसम है। पिछले लगभग 15 दिनों से मैं बारिश का मौसम झेल रहा हूँ। एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने इंडियंस आते हैं कि हिंदी में लिखा हुआ है, कृपया बंद होने के लिए दरवाज़ा बंद करें। यह है गूगल ट्रांसलेट, कुछ भी लिख देता है। जिसने लिखा हुआ है वो दरअसल गूगल ट्रांसलेट की मदद से लिखा हुआ है और कुछ नहीं हो सकता। तो फ़िलहाल अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है ट्रेन स्टेशन, और 2 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर से पहले मुझे बैंक जाना है और बैंक से कुछ पैसे निकालने हैं। फिर देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे हुए हैं। पहले मुझे एटीएम ढूंढना है, एटीएम से पैसे निकालूंगा, फिर जाऊंगा ट्रेन स्टेशन की तरफ। और वो दोनों भाई भी आ रहे हैं पीछे से। तो चलिए आपको अब लिए चलते हैं सर्बिया के बिल्कुल एकदम इंटीरियर्स में, जहाँ पे आपको नेचर दिखाई देगा। इस तरह की भीड़ भड़ाका गाड़ियाँ बसेस ये आपको बहुत कम नज़र आएंगी। लगभग जो ट्रेन स्टेशन है 2.5 किलोमीटर, गूगल बाबा दिखा रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर आपको जाना है। तो दरअसल हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि जो ओनर हैं हमारे हॉस्टल के, उन्होंने बोला कि अरे पैदल ही निकल जाओ, पास में ही है। क्योंकि ये सुबह सुबह का समय है तो
जाम भी लगा हुआ है पीछे, बसेज रुकी हुई हैं। और दूसरी बात है कि मुझे एटीएम से पैसे निकालने हैं बीच में, कहीं पे भी अगर मिलता है तो मेरे लिए फ़ायदा ये होगा कि मुझे कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, मैं आराम से एटीएम से पैसे निकाल सकता हूँ। ये बिल्डिंग्स बड़ी मस्त बनाई हुई है और इन पे जो कारीगरी की हुई है ना पत्थर पे, जैसे कि फेस बनाया हुआ है, जैसे ये देखिए ऊपर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपको पूरे यूरोप में मिल जाएगा इस तरह से। आज यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सुबह से ही बहुत कम है, इस टाइम पे यहाँ पे मुझे लगता है 1 या 2 डिग्री होगा, असल में तो माइनस में, क्योंकि यहाँ पे सुबह स्नोफॉल हुआ था। विवेक भाई गए थे एटीएम से पैसे निकालने के लिए, तो इनका फ़ोन आया कि यहाँ पे बाहर स्नोफॉल हो रहा है, हालांकि वो थोड़ी देर के लिए था। तो स्नोफॉल तो तभी होता है जब टेम्परेचर माइनस में हो, लेकिन अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो लगभग 0 के आसपास है। फिलहाल अभी भी जो स्टेशन है वो लगभग 1 किलोमीटर और होगा, अभी हमें सीधे जाना है, फिर आगे से लेफ़्ट होना है और लेफ़्ट होने के बाद उधर कहीं जाके स्टेशन है पीछे। एक ट्रैवल ब्लॉगर की लाइफ कैसी है ये आप देख ही रहे होंगे, हाथ पूरे लाल हो चुके हैं और अभी हमें उस पहाड़ी पे कहीं जाना है, उसके पीछे ट्रेन स्टेशन है और हवा इतनी चल रही है कि बोला भी नहीं जा रहा। अभी फ़िलहाल मैं कैमरा बंद करता हूँ, स्टेशन पे मिलूँगा आपसे। ये है जी बेलग्रेड का रेलवे स्टेशन। आपको लगेगा कि सारी जो ट्रेन्स हैं ये किसी फ्लाईओवर के नीचे खड़ी है, दरअसल ये ना फ्लाईओवर है ना पुल है, ऊपर पार्किंग है और नीचे फिर ये स्टेशन है, ट्रैक्स हैं और ये ट्रेन्स खड़ी हैं यहाँ पे। अब हमारी ट्रेन कहाँ से जाएगी ये देखना पड़ेगा, अभी अंदर जाके पता करेंगे। ये यहाँ ऊपर है टिकट ऑफिस। हम लोगों ने टिकट्स ले ली है, 768 रुपये की है एक टिकट। यहाँ पे कन्फ्यूजन एक है, हमें बोला गया है कि आपको जाना है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे और ट्रैक नंबर है 10 ऊपर जहाँ 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो महिला ने हमें बोला शायद से ट्रैक नंबर 6 पे जाने के लिए। तो अब ट्रैक नंबर 6 पे जाना है या स्टिल कंफ्यूजन है भैया, अभी भी कंफ्यूजन है, यहां जाना है पता चलेगा कि कहां पे हम लोग हैं। फिलहाल हम लोग ट्रैक नंबर 6 पे जा रहे हैं, देखते हैं यहां क्या होता है। ये ट्रैक नंबर 6 प्लेटफॉर्म नंबर 4 और ये ट्रैक नंबर 6 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, अब इन दोनों में से हमें किस में जाना है ये अभी पता चल जाएगा। आई होप हम लोग सही जगह पे होंगे। ट्रैक नंबर 6 यहां कोई ना कोई वो होंगे ना जो अटेंडेंट होते हैं उनसे पूछते हैं। अच्छा चलिए, एक और कंफ्यूजन है, हम लोग ट्रैक नंबर 6 पे आ गए हैं यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, वहाँ पे जो ट्रेन खड़ी है हमें उसमें बैठना है, लेकिन अब एक और कन्फ्यूजन है, यहाँ पे इसी ट्रैक पे 2 ट्रेनें खड़ी हैं, एक ये वाली है और एक वो वाली और एक ये वाली है, अब हमें किस में जाना है पता नहीं, लेकिन वहाँ पे बोर्डिंग शुरू हो गई है, पता करते हैं, पता चला हम लोग यहीं रह गए। किससे पूछें यार? हाँ 2101, हाँ यही है, आ जाओ। एक्सक्यूज मी, इज दिस द सेम ट्रेन, दिस वन? यस, थैंक यू। यार मुझे ट्रेन की डायरेक्शन में बैठना है। मुझे भी इसीलिए कह रहे हैं ना, ये दोनों ऐसे इधर होगा तो इधर होगा तो नहीं तो आप पीछे चुप हो जाइए। हाँ कोई बात नहीं, तो फिलहाल ये है जी ट्रेन, और सर्बियन ट्रेन में
ये पहली जर्नी है और सच बात यह है जो ट्रेन है काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें जो सीट्स हैं वो मतलब आमने सामने की सीट्स हैं एक ही जगह पे, ऐसा नहीं है कि जैसे वो रो में आमने सामने सीट होती है तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही जगह पे आमने सामने है। आप देखेंगे वो सीट इस साइड को है और इसके सामने वाली सीट उस साइड को है। आज की जर्नी के लिए ट्रेन थोड़ी कंफर्टेबल लग रही है और देखते हैं आज हमारी ट्रेन जर्नी। अच्छा वैसे डिसीजन कैसा था ट्रेन का? मुझे लगता है अच्छा था। अच्छा ये अच्छा डिसीजन रहा बस से ट्रेन। बस से ट्रेन और बस में ना लेग रूम नहीं मिलता। एग्जैक्टली एक्सप्रेस में बस में 3 घंटा जाएंगे तो वैसे ही बैठ के जाना। अब तो बैठो मन नहीं किया कोई दूसरे बोगी में चले गए, कहीं पे भी बैठ सकते हैं, टिकट का तो कोई नंबर नहीं है। तो एग्जैक्टली अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे सीट नंबर नहीं होते, तो वो मोहतरमा थी वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा कि सीट नंबर कौन सा है, तो उन्होंने बोला किसी भी सीट पे जाके बैठ गए। इस ट्रेन में टोटल 4 डब्बे हैं, बहुत छोटी सी ट्रेन है और 4 डब्बों के होने के बावजूद भी ये खाली है पूरी। 12:40 पे चलेगी तो फिलहाल ट्रेन काफ़ी कम्फर्टेबल है, ये तो देखने वाली बात है। थोड़ी देर में हम लोग मूव कर जाएंगे यहाँ से। दरअसल अभी 10 मिनट हुए हैं इस ट्रेन को चल के और इन 10 मिनटों में 2 टनल्स आ गई हैं। ये मैंने सुना था कि इस पूरे जो रेलवे सेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा टनल्स आपको मिलेंगी। 15 मिनट में यहाँ पे स्टेशन भी 2 आए हैं। टीटी भाई साहब के हिसाब से 4.5 घंटे लगेंगे बेलग्रेड से उड़ीसा पहुँचने में, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा मेहरबान हुआ हमारे ऊपर कि सुबह जो हाल थे वो बर्फ़ वाले थे, तो अभी फ़िलहाल मौसम ठीक है, बादल हैं, हल्की सी धूप लगी है लेकिन फिर भी ठीक है। ये मुझे सच में बड़ा अच्छा लगता है कि जब ट्रेन्स गांव के बीच बीच में से होके जाती हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। ये चीज़ कज़ाकिस्तान में भी देखी थी मैंने, रशिया में देखी थी, तो मुझे ट्रेन का सफ़र इसीलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये आगे टनल, इस सेक्शन पे टनल्स बहुत ज़्यादा हैं। कितनी लंबी टनल है, कितनी लंबी टनल है। सर्वेन गाँव देखा, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन जिंदगी में। भाई इससे बड़े तो बस स्टैंड होते हैं यार। दरअसल राइट साइड में बहुत
बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से गांव थे। कर रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस हमारे को नहीं आता किसी यूरोपियन ट्रेन्स में। हम लोग शूट कर रहे हैं सब लोग, और ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल एकदम अलग रहेगा मेरी लाइफ का, कि मैं किसी यूरोप की ऐसी ट्रेन में बैठा हूँ। मतलब बैठा कौन है, हम तो खड़े हैं, बैठने का मज़ा ही नहीं। और साइड में पूरी स्नो फॉल, पूरा एकदम सफ़ेद चादर हो चुका है। से बाहर हो गए और अभी थोड़ी देर में फिर से टनल आ जाएगी। और अब हम लोग जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सर्बिया के एकदम पहाड़ी एरिया में आ चुके हैं। स्टेशन में क्या हो रहा है, बीच में नदी है, नदी के ऊपर वो जो पुल के साथ से कार आ रही है उसके ऊपर फिर ये गांव है सारा।
ये ट्रेन हर छोटे छोटे स्टेशन पे रुक रही है। कई स्टेशन ऐसे भी हैं जहाँ से ना कोई बैठा है और ना ही कोई उतरा है। ये देखिए बाहर कितना खूबसूरत है। जिस से और काफ़ी बड़ा शहर लग रहा है। सच बात यह है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा शहर होगा। ये तो बहुत बड़ा शहर है, हालांकि हाँ पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ हैं। और ये आ गए जी हमारा स्टेशन उजिस से। कुछ छूटा तो नहीं है? फिलहाल तो कुछ नहीं छूटा। ये पहुंचे जी उजित से, और स्टेशन से बाहर निकलने के लिए ये है यहाँ से अंडरग्राउंड। अब हम स्टेशन से बाहर निकलेंगे। ये थी हमारी ट्रेन पीछे, बड़ी कंफर्टेबल ट्रेन थी, सच बात ये है। और इस ट्रेन में सच बात ये है बड़ा मज़ा आया। हम लोग तो खैर सीट पे तो कम बैठे खड़े हम लोग ज़्यादा थे, और पूरा एकदम बड़ा बहुत मज़ा लिया हम। बीच में मैं थोड़ा सो गया था, और ये सो गया था वो भी एक वजह से, क्योंकि जो टेम्परेचर था अंदर ट्रेन के अंदर में वो बड़ा मस्त था। और बाहर तो ठंड, हाँ, और बाहर तो अभी ठंड हो रही है अभी, क्योंकि हम लोग गर्म है। मैं तो थोड़ी देर में अभी हाँ ये माइनस में है, शून्य से नीचे होगा ही, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग गर्म ट्रेन से बाहर निकले हैं तो उतना महसूस हो नहीं रहा। चलें जी फिर। तो अब फिलहाल जी हमारे होस्ट ने हमें बोला है कि आप मुझे मैसेज कर देना, मैं किसी स्कूल के पास आऊँगा आपको लेने।